तो गाइस आपने ये तो सुना होगा कि पानी में कभी भी आग नहीं लग सकती, पानी में आग लगाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आज की वीडियो में हमारे पास से इतने सारे बर्फ जो कि बिल्कुल पानी से बने हुए हैं, और आज की वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं इन बर्फ में आग, और ये काफी मजेदार एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो देखते हैं क्या बर्फ में आग लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो एक्सपर्ट की निगाह में होते हैं, कृपया आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करें। तो गाइस वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये हमने ले लिया है, आप देख सकते हैं ये है कैल्शियम कार्बेट, जो कि पानी में बहुत तगड़ी क्रिया करता है, जो कि एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो मैं पहले इसको डाल देता हूँ इसके अंदर, आप देख सकते हैं इतना काफ़ी है। अभी इसमें जो बर्फ है इस सारे बर्फ को इसके अंदर डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तरीके से इसमें से धुएं उठ रहे हैं। अब दूसरी तरफ है हमारे पास एक गैस टॉर्च, अब इसमें आग लगा के देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी कमाल तरीके से ये जल रहा है। आप देख सकते हैं बर्फ में आग लग चुकी है और ये थोड़ा थोड़ा पॉप साउंड भी कर रहा है, इतनी रोशनी के बावजूद भी आपको दिख रहा होगा। तो दोबारा लगाते हैं इसमें आग। तो आप गाइस देख सकते हैं कि कितनी कमाल की आग जल रही है, वो भी इस बर्फ में। ये भी बहुत कमाल की बात है, साइंस का प्रयोग करके हम बर्फ में भी आग लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। लेकिन ये काफी डेंजरस हो सकता है, इसलिए आप घर पर ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लगातार आवाज आ रही है और आग जल रही है। आपको मैं लिखा देता हूं आवाज को। काफी कमाल की आवाज आ रही है इसमें से। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी कमाल की तरीके से आग जलती है इसमें। आप देख सकते हैं, मैं दोबारा लगाता हूँ, देख सकते हैं आप, एक बार आग पकड़ लेती है तो थोड़ी देर के लिए जलती है ये। अब इसमें कैल्शियम कार्बेट की जो कैल्शियम कार्बेट है वो पूरा ख़त्म होने को जा रहा है, इसलिए इसमें आग कम लग रही है। लेकिन जैसे ही हम लगाते हैं वैसे आग तो लग रही है, लेकिन थोड़ी रुक नहीं पा रही है, देख सकते हैं आप। अब देख सकते हैं बर्फ़ के टुकड़े भी काले पड़ चुके हैं, अब देखिएगा बर्फ के टुकड़े काफी काले पड़ चुके हैं क्योंकि जलने के कारण। लेकिन पानी में आग लगाना ही काफी बड़ी बात होती है, साइंस की मदद से हम ये भी चीज कर सकते हैं। दोबारा लगाते हैं, देख सकते हैं बड़ी तेजी से आग निकली अब के। तो गाइस इस तरीके से हम पानी में भी आग लगा सकते हैं काफी आसानी से, और आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।